आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आद्या फ्यूल्स पंप अरौद के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य मौजूद थे, जहां पर आजादी के वर्षगांठ पर उपरोक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नेतृत्व में समाज में स्वतंत्रता का अलग जगाने, ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ब्रिटिश शासन में उन्हें जेलों में बंद कर जो सजा दी, उसके बलिदान के बारे में संक्षिप्त जानकारी वहां उपस्थित गणमान्य नागरिकों को दिया। कार्यक्रम समाप्ति पूर्व उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आजाद कराया, उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज हमने यहाँ ध्वजारोहण किया। यह ध्वजारोहण हमारे शूरवीरों का, शहीदों का सम्मान के तौर में और उनके बलिदानों को याद करते हुए बनाया गया और आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी दी गई कि हमने किस खून पसीने को बहा के स्वतंत्रता पाई है। बहुत लंबी लड़ाई थी, इसके शहादत पे आज हमने स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। इसमें काफ़ी लोगों का खून बहा है, इसका परिचय हम इस ध्वजारोहण के माध्यम से पूरे विश्व को दिया जा देने की प्रयास करते हैं। जैसा कि आज हम सब मिलकर 75वीं स्वतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं, मैं इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों और जिले के सभी जन को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित ही ये स्वतंत्र दिवस हम हमारे जो बलिदान हुए हैं उनको एक जन जन तक पहुँचाने के हिसाब से और हमारे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा के हिसाब से आज ध्वजारोहण किए हैं। और मैं चाहूँगा कि आगामी ऐसे ही इस प्रकार के आयोजन इसी तरह होते रहे। बादौद से KP चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।